देस्वादि वीरातां जले निस्नप्यामा ओम श्री विश्वदि वीरातां जले निस्नप्यामा ओम श्री विश्वदि वीरातां जले निस्नप्यामा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धे नमः ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते पाष्टी थकराय द्वादशगण शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धा बुद्धाय परमात्मने परम सुखा त्रैलोके महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धा बुद्धाय त्रिलोक वंशकाय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रम्हे धनेन्द्रपना मंडल मंडिताय ऋषि आरिका का श्राव प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग

श्री नसीब जी सोनी ममता नीतू मनीत पीयूष लोहित पलक स्मिता रेद्दिशा परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए शांति धारा अट्ठारह उपासना कुंज गुंड मंडी से श्री भूपत राय जी अमृतलाल मोदी श्रीमती रंजनाबेन भूपत राय मोदी श्रीमती ख्याति शाह व चिरंजीवी हेतु भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोग्यता सहित दीर्घायु की मंगल कामना शांति धारा श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार पवन प्रीति अंकुर त्रिशला सिमरन गोदा परिवार शक्तिनगर से श्री अशोक जी जैन नरेंद्र जी जैन जगजो टेरर शाना प्रताप बाग से स्वर्गीय श्रीमती उषा जी जैन परिवार अजय जी जैन रितु जी जैन शक्तिनगर वालों द्वारा भी शांति धारा श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी वीरेंद्र जी पायल जी जीश्वी आर्य से स्वर्गीय श्री राजीव जी जैन अनिता जैन ममता वैभव नेहा मारधव पुलकित ऐश्वर्य आर्या प्रियंका अर्पित पारोल श्री डेलकोर प्रीत विहार से स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन सुनील जी जैन स्वाति जी जैन परिवार सीसी कलोनी से श्री सुरेश जी जैन नरेश जी जैन खिलौना वाला परिवार रूपनगर वालों द्वारा भी शांति धारा समस्त शांति धारा करता परिवार टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले वह उपस्थित सभी जैन परिवार कामम क्रोधम अग्नि सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वभयम भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्व भयम सर्वमंत्र सर्वशूल रोगम सर्वशय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वशुमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिष्मारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वफल्मारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविश्वमारिं सर्वताल्शाकनिभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं छिन्द छिन्दे मिथे मिदे ॐ सुदर्शनमहाराज मम चक्रविक्रमसत्त्व तेजोबलशौर्यवीर्यशान्तिः पूरे पूरे सर्वजीवानन्दनं सर्वजनानन्दनं सर्व्यानंदगोकुलांदन सर्वग्राम नगर केट करवट मत पत्र दोवहानंदोकनंदन सर्वेशानंदयजमानंद दुखम हन हन पच्च कुट शीघ्र शीघ्र कुर कुरु स्वाहा युखं त्रिश्लोक व्याधिवसर्जित अभ्यम शेम स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरस्त शिवमस्तु जयस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माक सकल दिगंबर जैन समाज से करता परिवार से यहाँ उपस्थित सभी जैन परिवार से पुष्टिस्त तो समृद्धिस्त कल्याणमस्त सुखम अभिवृद्धिस्तु दीर्घायुस्त कुलगोत्रधना सदा सन्त सदर श्री बालाग्यम ऐश्वर्यसु सौदिष्य प शिष्यवर्ग प्रसिदंत न राम रीं रूम रोम रहा नमो संपूर्ण कल्याण मंगलूप भवतो तो, नरकादि चतुर्गति दुख भवतो ओम ग्रीम, 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 ग्रीम ओम ओम श्रीम क्लीम मज आऊजा अना नमो हरियंता ओम सर्व शांति क्रो कुरु स्वाहा नमो अरते भगवते श्रीमते पक्षिण दोषकलमसाए ज्योति ज्योतिमूर्तिये नमः श्री शांतिनाथाए शांति सर्व पाप सर्वग्निविनाश नाये सर्वगुप्त मृत्यु विनाश नाये सर्वच द्रोक विनाज सर्व सर्वजा ढामर विनाश राीं ओम अज आऊजारम नमें नमे ती क्रो कंपूज गान ले गान दीन जामा तब भगवान जी ने उदक जान दान दोल भूत गई छो जुदूप जुदूप पलारे हल मांगल रवा कुल जीन ग्रै अग्रिम साक्षात वेदी में विराजमान श्री आदिनाथ जिनेन्द्र आये श्री अजितनाथ जिनेन्द्र जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय जै। जैसा आप सभी को पता है कि एक विशेष कलश स्थापना शायद आपने ऐसा भी पहली बार देखा होगा जहाँ पर कोई चतुर्मास नहीं है उसके पश्चात भी यहाँ पर हमारा ये हॉस्पिटल व मंदिर जो बन रहा है वो जल्दी से जल्दी बने और आने वाले 2024 में फरवरी व मार्च में इसका पंच कल्याण हो 100 प्रतिशत होगा बंधुओं केवल आपको हमारा साथ देना है मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये कलश स्थापना शायद आप मुनिराज का हो आचार्य श्री का हो उपाध्याय श्री का हो सभी कलश स्थापना में भाग लेते हैं पर इस ऐतिहासिक कलश स्थापना जो हमें इस मंदिर के बनने में थोड़ी समस्या आ रही है जो हॉस्पिटल बन रहा है उसमें थोड़ी समस्या आ रही है और समस्या आप सब लोग समझते हैं किस चीज़ की आ रही है इस भावना के साथ में कल यानी रविवार को हम सभी मिलकर यहाँ पर कलश स्थापना करेंगे आप भी अपने परिवार की तरफ से बंधुओं एक कलश जरूर रखना जिससे ये मंदिर जल्दी से जल्दी बन सके और आप निरोगी रहें जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो शायद हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोरोना के पश्चात भी मैं देख रहा हूँ कि लोग कुछ सुस्त हो गए हैं सब अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं नहीं भैया ये भगवान पार्शनाथ का ही आशीर्वाद था कि कोरोना के पश्चात आज हम सब यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं हमारा सौभाग्य है जो भगवान के दर्शन करने को हमको मिल रहे हैं और आप लोग शायद कुछ सुस्त हैं मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी शक्ति के अनुसार जो भी कलश लिखवाना चाहें अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर अवश्य लिखा कर इस पुण्य कार्य में भाग लेवें जैसा आप सभी को पता है यहाँ पर प्रथम कलश जिसकी राशि दो लाख इक्यावन हज़ार रुपये की थी श्रीमान अजय जी चारू जी जैन परिवार राणा प्रताप बाग दूसरा कलश अभी शेष है जिसकी राशि दो लाख रुपये की है तृतीय कलश एक लाख इक्यावन हज़ार रुपये का स्वर्गीय लाला कमलचंद जी जैन परिवार सुनील जी जैन परिवार सी कॉलोनी श्रद्धा कलश जिन परिवारों के द्वारा लिया गया एक लाख रुपए की राशि श्रीमान मुकेश जी नरेश जी जैन नीलम बस पहाड़ी धीरज श्रद्धा कलश एक लाख रुपए की राशि श्रीमान अशोक जी नरेंद्र जी जैन जगजोत ट्रेडर्स परिवार राणा प्रताप बाग श्रद्धा कलश एक लाख रुपए की राशि श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार शक्ति नगर भक्ति कलश इक्यावन हजार रुपये की राशि श्रीमान मुकेश जी रितु जी जैन कमला नगर अशोक विहार भक्ति कलश इक्यावन हज़ार रुपये की राशि श्रीमान दिनेश जी जैन कमला नगर परिवार की ओर से श्री अनिल जी जैन परिवार जैन कॉलोनी परिवार की तरफ से इक्कीस हजार रुपये का निरोगी कलश भक्ति कलश इक्यावन हज़ार रुपये स्वर्गीय श्री अरियंत जी जैन विकास जी जैन परिवार शक्ति नगर निरोगी कलश इक्कीस हज़ार रुपये की राशि श्रीमान डी के जैन जी जैन नागिया पार्क निरोगी कलश इक्कीस हज़ार रुपये की राशि श्रीमान राजकुमार जी जैन ऑल पार्टी शक्ति नगर एक भक्ति कलश इक्यावन हज़ार रुपये की राशि श्रीमान मुकेश जी सुनीता जी जैन जे पी पेंट्स परिवार के द्वारा अभी तक हमारे को ये नाम आए हैं आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप अपने परिवार की तरफ से एक लाख इक्यावन हज़ार व इक्कीस हजार रुपये ये तीन राशियों के कलश हमने रखे हैं और बंधुओं आप सबको मेरा यही निवेदन है कि जिसकी जितनी शक्ति हो दे करके ये पुण्य लाभ लेवें आप सबके सहयोग से बनने वाला ये विशाल मंदिर जो करीब सोलह सौ सो कर जगह में बन रहा है और हॉस्पिटल भी जल्दी से जल्दी बने ऐसी भावना के साथ में जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं ये ना सोचे कि हमारा पैसा इधर उधर हो रहा है बंधुओं आपका पैसा सौ प्रतिशत आप हॉस्पिटल में देंगे हॉस्पिटल में लगेगा मंदिर में देंगे मंदिर में लगेगा एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर शायद अगली फरवरी में जब आप आओगे तो शायद यहाँ पहचानोगे नहीं कि यही राणा प्रताप बाग का श्री संकट रण भगवान मंदिर पार्शनाथ भगवान का मंदिर है इसलिए जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे शायद ये कार्य पूरा नहीं होगा जल्दी से जल्दी इस भावना के साथ में आप सभी अपने परिवार की तरफ से राशि देकर के अपना नाम अवश्य लिखवाएं परसों सुबह ठीक साढ़े सात बजे जिन परिवारों के द्वारा कलश लिखवाए गए हैं वो सभी परिवार यहाँ पे आकर के कलश की स्थापना करेंगे ठीक साढ़े सात बजे जिसका सीधा प्रसारण आप आदिनाथ चैनल के माध्यम से देखेंगे परसों ठीक साढ़े सात बजे जिन्होंने भी कलश रखे हैं वो आकर के ज़रूर अपना कलश स्थापित करें और ऐसी भावना के साथ में कलश स्थापित करें कि ये मंदिर जल्दी से जल्दी बने हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बने और हम निरोगी रहें ऐसी भावना के साथ में हम सभी को मिलकर ये कलश स्थापना ऐतिहासिक कलश स्थापना करनी है जैसा आप सभी को पता है उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास दो का गुप्ती धाम कन्नौर में हो रहा है और उसकी भी कलश स्थापना परसों सुबह ठीक साढ़े नौ बजे से गुप्ती धाम कन्नौर में होने जा रही है आप सभी लोग वहां पर पहुँच करके धर्म लाभ लेवे जिसका भी सीधा प्रसारण आदिनाथ चैनल के माध्यम से सुबह दस बजे से किया जाएगा जय जिनी जै जय बोलिए पार्शनाथ भगवान की जय जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय जय बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय बोलिए मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय जय जिनी बंधुओं जैसा आप सभी को पता है हमारी दसवीं श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा जो कि दिल्ली व समस्त भारत से करीब पैंतीस जगह से एक साथ छब्बीस व सत्ताईस अक्टूबर को जा रही है जिन भाई बहनों ने अभी तक अपनी टिकट नहीं कराई है वो अपनी टिकट हमारे आकाश भैया से अपना नंबर जहाँ से भी आप जाना चाहें दिल्ली जयपुर अजमेर किशनगढ़ ब्यावर अहमदाबाद बड़ौदा सूरत महसाना पुणे इचलकरंजी सदलगा, सतलगा चेन्नई बेंगलोर गुवाहाटी आसाम व पंजाब में लुधियाना चंडीगढ़ अम्बाला पानीपत सोनीपत सहारनपुर सिकंदराबाद या और कहीं से भी आप जाना चाहें आप अपना नंबर डबल एट डबल जीरो टू जीरो टू जीरो सिक्स एट से लेकर के अपनी टिकट बुक करा सकते हैं हम इस यात्रा में करीब पच्चीस सौ ऐसे भाई बहनों को बिल्कुल निशुल्क ले जाना चाहते हैं जिन्होंने आर्थिक कारण से या घरेलू कारण से या किसी और कारण से अभी तक हमारे सबसे बड़े तीर्थ स्थान श्री सम्मेद शिखर जी बीस तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि का अभी तक दर्शन नहीं किए हों आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपने परिवार की तरफ से इक्यावन लोगों को मात्र एक लाख इक्यावन हज़ार रुपये की राशि देकर के और ये पुण्य लाभ ले सकते हैं बंधुओं इससे बड़ा पुण्य शायद आपके जीवन में आपको मिलने वाला नहीं है ऐसे भाई बहन जो नहीं जा सकते हैं आप ये मत सोचना कि हमें पैसा चाहिए हम तो चाहते हैं कि हमारे इस सबसे बड़े तीर्थराज के समेत शिखर जी के सब भाई बहन जिन्होंने अभी तक किसी कारण से दर्शन नहीं किए हों वो दर्शन कर सकते हैं और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं आप सभी हम चाहते हैं इसमें हमारा साथ देवें